ओट्स के अंदर, अगर बहुत सारे लोग इसको वेट लॉस के लिए, वेट कंट्रोल के लिए, हंगर कंट्रोल के लिए लेते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इसके अंदर फाइबर अच्छा है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, स्लो एब्जॉर्बिंग है, अच्छा है. सो इसके अंदर फाइबर है, इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल, फॉस्फरस है, थायमिन है, मैग्नीशियम है, जिंक है, ये है. उसके अलावा इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज आप देख सकते हैं सर्विंग के हिसाब से. एक कह लीजिए आप 100 ग्राम के अंदर कैलोरीज आ जाएगी 3839, फैट 7 ग्राम आ गया, और उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हो गया 66 ग्राम्स, प्रोटीन हो गया 17 ग्राम. तो अच्छे खासे इसमें आपको कैलोरीज भी मिल गई, ठीक है, नॉट सो बैड, नॉट सो गुड. कार्ब्स भी हैं, प्रोटीन भी है, फैट भी है. टाइप्स आते हैं अलग अलग ओट्स के, और इंडिया के अंदर, दुनिया के अंदर अलग अलग प्रकार के ओट्स अवेलेबल हैं बेस्ड ऑन वो कैसे प्रोसेस किए गए, ठीक है. उसमें ओट्स, स्टील कट, स्कॉटिश ओट्स, ओट्स ब्रान, ऐसा क्विक ओट्स, इंस्टेंट ओट्स, ये वो, जैसे इंस्टेंट नूडल वैसा ये भी बना दिया इसको. सो ओट्स भी प्रोसेस किए जाते हैं. होल ग्रेन, जैसे हम रोटी अनाज का, गेहूं का मैदा बना देते हैं, वैसी ओट्स की भी ऐसी तैसी करी है दुनिया में. बाकी होल ओट्स में बहुत बिल्कुल फायदा है, नो डाउट. सो ओट्स हेल्थ के लिए अच्छे हैं कि नहीं? ओट्स के अंदर कई सारे कंपोनेंट्स हैं जिसको हमने ऑलरेडी देखा, उसके कंटेंट को देखा, उसके फाइबर कंटेंट को देखा, जिसमें हेल्थ बेनिफिट है. और प्राइमरी जो मेन उसके अंदर फाइबर होता है, सॉल्युबल फाइबर होता है, वो होता है बीटा ग्लूकान, जो कि रिसर्च में देखा गया है कि जो डाइजेशन को स्लो करता है और सेटाइटी, यानी पेट भर जाता है, और एपेटाइट को सप्रेस करता है. तो टेक्निकली स्पीकिंग जो ओट्स का हेल्थ बेनिफिट है, वो जितना आपका स्टील कट ओट्स, जितना आपके ग्रोथ फुल होल ओट्स की बात करें, उतना अच्छा रहेगा. जितना प्रोसेस्ड ओट उतना कम बेनिफिट. सो बीटा ग्लूकान करता क्या है? बीटा ग्लूकान एक फाइबर है जो कि कोलेस्ट्रॉल के साथ, कोलेस्ट्रॉल रिच बाइल जो आपके शरीर के अंदर होता है, बाइल एसिड्स के साथ बाइंड कर देता है इंटेस्टाइन, और उसको और इसके साथ उसको ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टिव ट्रैक से, नीचे मोशन से निकाल देता है. बेसिकली क्या करता है दिस बीटा ग्लूकान, आपने अगर कोलेस्ट्रॉल थोड़ा खाया हुआ है उस दिन, जिस दिन आपने ओट्स लिया, मान लीजिए उस दिन आपने, तो उतना कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होगा. आपने ओट्स खाया, आपने एग येलो खाया, एग येलो 4 खा लिया, उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, वो उतना एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, बिकॉज बीटा ग्लूकान उसको पकड़ के रखेगा, वो नीचे से निकल जाएगा. फायदा ये, दैट्स द फायदा. ओके, सो होल ओट्स के अंदर ये फायदा है. और उसके अंदर और भी चीज़ें हैं, जैसे कुछ प्लांट केमिकल्स हैं, जैसे फिनॉल्स कंपाउंड्स हैं, जैसे फाइटोइस्ट्रोजन्स हैं, जो कि एक तरीके से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. दे रिड्यूस द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन. कोई भी शरीर के अंदर क्रोनिक बीमारी चल रही है, उसमें हेल्प करेगा. हार्ट की बीमारी, डायबिटीज है, उसमें हेल्प करेगा. सो ओट्स के और भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं अपार्ट फ्रॉम फाइबर. ओट्स के अंदर हार्ट के लिए जो हेल्थ बेनिफिट माना जाता है, नंबर वन तो जैसा बताया फाइबर के लिए, और इसके ऊपर कई मेटा स्टडीज हुई हैं, उसके मेटा एनालिसिस में देखा गया है कि यस, उसके अंदर फायदा है. और ऑब्वियसली इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओट्स की भी देखी गई कि भाई जो इंस्टेंट ओट है, ओट ग्रोट्स है, फुल होल ग्रेन ओट्स है उसमें, तो यहाँ पर ये जरूर देखे आएगा कि ऑब्वियसली बात है, बताने की जरूरत नहीं है कि जो जितना इंस्टेंट होंगे उतना थोड़ा कम फायदा होगा, जितना अच्छे होल ग्रेन्स होल ओट्स होंगे उतना फायदा ज्यादा हो जाएगा. पर फायदा तो होगा, नहीं भी खूब होगा. कई जगह पे एक और प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी हुई थी, जिसमें कि ये देखा गया कि होल ग्रेन इंटेक से 25-27% तक कम हुआ हार्ट अटैक का रिस्क. ठीक है, सो राई, ओट्स, होल व्हीट्स, ये सब आपके रिस्क कम करेंगे बिकॉज ऑफ नंबर वन फाइबर, बिकॉज ऑफ अदर प्लांट एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है. और उसमें कितना क्वांटिटी बोला, 3 ग्राम्स ऑफ बीटा ग्लूकान सॉल्युबल फाइबर. सॉल्युबल फाइबर आपको चाहिए, होल ओट से ले लो चाहे आप कहीं से ले लो, वो क्या करेगा आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका 12 पॉइंट से कम कर देगा. इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें. ऐसी वीडियो अगर आप चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं. ऐसे ही टॉपिक्स फिर से हम लेंगे और लेंगे, आते रहेंगे. थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.